नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, जो मेकबाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अन्य नाम था इनका राजा जी। जन्म इनका हुआ था 10 दिसंबर 1878, 10th दिसंबर 1878 मद्रास में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु हुई थी इनकी 28 दिसंबर 1972, 28 दिसंबर 1972। पिताजी का नाम था नलिन चक्रवर्ती। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, पत्रकार, समाज सुधारक, शिक्षा विशेषज्ञ, ये जो है भूतपूर्व उद्योग मंत्री, मद्रास के मुख्यमंत्री, बंगाल के राज्यपाल। इनके जो कार्यकाल रहा वो मैं आपको बता देता हूं। भारतीय गवर्नर जनरल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। मुख्यमंत्री मद्रास में रहे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक। गृह मंत्री रहे ये 26 दिसंबर 1950 से 25 अक्टूबर 1951 तक। राज्यपाल पश्चिम बंगाल में रहेंगे 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948। ये बहुत अच्छे वकील थे। प्रेसिडेंट कॉलेज मद्रास में इन्होंने पढ़ाई की। ये हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा को अच्छे से जानते थे। भारत रत्न इन्हें प्राप्त है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, जो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। राजा गोपालाचार्य जी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्वितीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजा जी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी, राजनीतिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। राजगोपालाचारी जी की बुद्धि, चातुर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे अनेक उच्च कोटि के कांग्रेसी नेता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जीवन परिचय। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु मद्रास के सेलम जिले के होसूर के पास धोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्मे चक्रवर्ती जी के पिता का नाम श्री नलिन चक्रवर्ती था, जो सेलम के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। राजगोपालाचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए और वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। वकालत की डिग्री पाने के पश्चात वे सेलम में ही वकालत करने लगे। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उनकी गणना वहां के प्रमुख वकीलों में की जाने लगी। चक्रवर्ती पढ़ने में, लिखने में बहुत तेज थे। देशभक्ति और समाज सेवा की भावना भी उनके स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। जिन दिनों वे वकालत कर रहे थे उन्हीं दिनों वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए और वकालत के साथ साथ समाज सुधार के कार्य में भी सक्रिय रूप से रुचि लेने लगे। उनके समाज सेवा कार्यालय से प्रभावित होकर जनता द्वारा उन्हें सेलम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का
अध्यक्ष चुन लिया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक नागरिक समस्याओं का तो समाधान किया ही, साथ ही तत्वकालीन समाज में व्याप्त ऐसी सामाजिक बुराइयों का भी जमकर विरोध किया जो उन्हीं के जैसे हिम्मत वाले व्यक्ति बस कर सकता था। सेलम में पहले सहकारी बैंक की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।